हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमएन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास टेंथ साइंस का क्वेश्चन पेपर। और लास्ट इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने इंग्लिश मीडियम का बताया था, ये हिंदी मीडियम का है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का पेपर आपका आएगा, कैसे आएगा और कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितने कितने मार्क्स का होता है और कितने मार्क्स में आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं। तो ये सभी चीजें मैं आज बताऊंगा आपको। क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं, प्रश्न में आ ब स ड चार पार्ट है, टोटल 36 क्वेश्चंस है इसके अंदर और सेक्शन वाइज है। जैसे कि आप देखेंगे एक से बीस तक के जो हैं वो एक नंबर का है, एमसीक्यू होते हैं, चार में से एक आपको एक टिक करना है। उसी तरीके से अगर खंड बी की बात करेंगे तो 21 से 26 है, दो मार्क्स का है और आपको 30 से 50 वर्ड्स इसमें लिखने हैं। ठीक उसी तरह से खंड सा है जिसमें 27 से 33 है, क्वेश्चंस होंगे 27 नंबर से लेकर 33 नंबर तक, ये तीन मार्क्स का होगा और ये आपको 50 से 80 शब्दों में लिखना है। जबकि खंड ड में ये आपका जो है इसके अंदर आपको देना है, खंड अड़ा में 34 से 36 होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट हो जाएगा, 36 तक होगा, पांच मार्क्स का है और ये आपको 80 से 120 शब्दों में लिखना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को करना जरूरी है। जो इसमें चॉइस होता है कि हाँ इनमें से ये दोनों में से कौन सा करना है, हर क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे देख सकते हैं पहले में एक मार्क्स का है आपको, ये फर्स्ट एक मार्क्स, साथ में मार्क्स आपको दिए हुए, क्वेश्चन पेपर में आपको मार्क्स दिया होगा, ये प्रैक्टिस पेपर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, प्रकाश के प्रकटन के लिए उत्तरदायी कारकों की सूचीबद्ध कीजिए, एक मार्क्स का एक आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन, इसी तरीके से ये चित्र बनाया हुआ है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को पहचानना है आपको इसके अंदर, इस फिगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, बहुत आसान पेपर है बेटा ये, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो आप लोग कर लोगे इसे। या क्वेश्चन नंबर 14 में 14-1 और 14-2 किसी में से एक का उत्तर देना है आपको, चॉइस है आपके पास इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है कि पार्ट एक से पार्ट पांच है और इसमें से किन्हीं में चार में करने हैं, एमसीक्यू टाइप के हैं ये। जैसे पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हो गया, पार्ट सेकंड, पार्ट फोर्थ, देन थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, इनमें से कोई भी आपको एक पार्ट का, चार पार्ट करने थे कोई भी कर सकते हैं आप, एमसीक्यू में टिक लगाना है, पढ़ना है उसको फिर कर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट दिए होंगे, चार आपको इसमें से करने हैं, ये समरी है, इसे पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको समझने के बाद फिर आपको नीचे आंसर्स देने हैं कैसे कैसे क्या है। बहुत आसान है ये पार्ट इसके, ये रहे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनमें से कोई भी चार करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से है, एक से पांच पार्ट दिए होंगे 19 के, इसमें से सिर्फ आपको चार करना है, ये आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये आपको करना है। ये डायग्राम देख सकते हैं, अवतल दर्पण को पहचानना है, बहुत आसान है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसमें करते हैं आप, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 में भी सेम उसी तरह से है, पांच पार्ट दिए होंगे, चार पार्ट आपको करने हैं। आप देख सकते हैं सब एमसीक्यू है, वन वन मार्क्स के हैं ये, बहुत इजी पेपर है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे तो आपको सारा कुछ बताया होगा। क्वेश्चन अब खंड बा आ गया, दो मार्क्स का स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 से, ये ऑप्शन में है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं, ये ऑप्शन में है, दोनों में से एक कर सकते हैं।
ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर दें इसे, ताकि इस तरह से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप तक प्रोवाइड कर सकें, और हम जब भी कोई वीडियो बना के अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 33 अखंड आ गया, ये 5 मार्क्स का है। जैसे पकौड़े को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी लवण का पीएच मान 9 है, इस लवण को पहचानिए और निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको दिया गया है कौन सा है, इस दोनों के बनाने आपको बहुत आसान है बेटा। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी? आप ये दो पार्ट है या इनमें से ये, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबोधन का प्रयोग कीजिए, क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।